कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की वैक्सीन नीति और कोरोना से मरने वाले लोगों के आंकड़ों पर जमकर सरकार को घेरा। इसके साथ ही सरकार का सच भी देश की जनता को बताया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से हमारे देश में वैक्सीन की धीमी रफ्तार देखने को मिल रही है, इससे साफ पता चलता है कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है और सरकार इसका ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ रही है। वहीं देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा मोदी सरकार ने जो देश को बताया वो पूरी तरह से झूठा है। राहुल ने बताया कि दरअसल सरकारी आंकड़े झूठे हैं, असलियत तो यह है कि हमारे देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2-3 लाख नहीं बल्कि 4 लाख से ऊपर है। और राहुल गांधी ने बकायदा इसका प्रूफ भी सरकार को दिखाया था, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी तिलमिला उठे थे और राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे। दरअसल राहुल गांधी जिस तरह से सरकार का सच बता रहे हैं, ये बात सरकार को हजम नहीं हो रही और सरकार परेशान दिखाई दे रही है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।